रिकॉर्डिंग यस। अच्छा तो ये वीडियो बेसिकली मैंने जो है ना बनाई है उन 37 सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देख के जो है ना वो सब्सक्राइब करा है। तो सब्सक्राइब करा होगा कि यार वो अमेज़न की प्रोडक्ट्स जो है क्या कहते हैं वो हम भी खरीद ले या हमें भी पता चले कि उसका क्या प्रोसेस है और क्या नहीं है। तो जितना मैंने देखा तो अमेज़न के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर अमेज़न के नाम पे जो ये अनडिलीवर्ड बिजनेस जो चल रहा है ना, मिस्ट्री बॉक्सेस इतने के जी इतने रुपए किलो, इतना के जी इतने रुपए किलो, मतलब वो तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान चल रहा है। तो ये कोई भी जो है ये अमेज़न से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, यानी मतलब ये डायरेक्ट जो है ना अमेज़न से नहीं आए हुए होते, जिसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लें, जैसे आप क्या कहते हैं बहुत सी वेबसाइट्स हैं गूगल पे आप सर्च कर ले तो वो डायरेक्ट अमेज़न से उठाती है, वो डायरेक्ट अमेज़न से उठाती है तो वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करती है से डिफरेंट केजीज वगैरह के हिसाब से, और उसके अलावा वो आइटम वाइज भी सेल करती है, क्योंकि वो खाली ये नहीं उठाते, वो एक साथ पूरी पूरी लॉट्स 40-50 आइटम 100 आइटम 1000 आइटम वो ऐसे बड़े बड़े लॉट्स भी साथ में उठाती है कि वो जो है ना लिक्विडेशंस करती है। बेसिकली जो चीज नहीं सेल हो पाती अमेज़न के ऊपर या जो चीज अमेज़न में सेल की हुई होती है वो किसी चीज किसी पेचीदगी की वजह से क्या कहते हैं कि उसकी मतलब कंप्लीट ना हो सकी वो जो भी उसकी डिलीवरी होती है और वो वापसी अमेज़न के पास आ जाए तो वो छोटे बिजनेस नहीं है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस लेके चल रहे हैं अमेज़न। तो वो करते ये नहीं है कि वो उठा के उसी चीजों को खुद बेचते, वो प्रॉपर उनकी एक पॉलिसी होती है, वो उसको लिक्विडेशंस की तरफ लेके जाते हैं कि जो मुख्तलिफ आते हैं कंपनीज वगैरह फिर वो लेके जाती है। जो जैसे आपको बताया मैंने गूगल पे है वेबसाइट से आप सर्च करेंगे तो ब्लू लॉट्स liquidation.com और इस तरीके की और भी आप सर्च करेंगे गूगल पे पूरी एक लिस्ट है। अच्छा अब क्या है कि मतलब जो यूएस वगैरह की भी साथ में आप वीडियोस देखेंगे जहां डायरेक्ट इन चीजों की रसाई है, यहां पर तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैंड जाके लग के होता है, लेकिन यूएस वगैरह की जो वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी, जिन्होंने डायरेक्ट इन सप्लायर से लिए हुए होते हैं या इन डिस्ट्रीब्यूटर से लिए होते हैं जो कि डायरेक्ट अमेज़न से परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत से जो है वो लाइव वीडियोस लोगों ने अनबॉक्सिंग करी है। वहां पर ये एक एक कार्टन दो दो कार्टन का हिसाब नहीं होता, वहां पर ज्यादातर जो डीलिंग होती है वो पैलेट वाइज होती है, कभी पूरा पूरा पैलेट भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अब वो उस पैलेट्स में भी जब वो अक्सर आपने जो है ना वीडियोस में आप देखे कि वो निकालते हैं कि भाई बहुत बड़ा एलसीडी की टीवी की जो है ना वो डब्बा होता है, लेकिन वो खुलते उसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली मिलता है उनको, या और ऐसी कोई जो अच्छा आइटम होता है तो वो ये इन ऑक्शंस और इन केजीज वगैरह में नहीं आते। क्यों? कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से है और मुझे भी इनका थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ये तो अमेज़न है, आप TCS और ये LCS और इनमें जो काम करने वाले होते हैं इनको भी जो है ना 500 अनडिलीवर्ड चीजें अंदर ही अंदर मिल रही होती है, वो ले रहे होते हैं जो है ना बहुत से ममालिक में, तकरीबन हर ममालिक में जो है ना ऐसा हो रहा होता है। तो इन शॉर्ट करता हूँ इस वीडियो को, मतलब इतना लंबा नहीं लेके जाऊंगा कि आप बिल्कुल ही उस चीज में जो है वो एक किस्म जो है ना गोल घूम जाए। तो पाकिस्तान में जब ये आता है तो पाकिस्तान के अंदर पहले तो 90% वो नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से मेरी मुराद ये है कि आप सोच रहे होते हैं अमेज़न की प्रोडक्ट्स आएगी ये होगा वो होगा, इवन अ सिंगल आइटम आपको जो है ना वो बॉक्स फिटेड नहीं मिलता कि बिल्कुल आपको जो है ना पता कि यार इसके ऊपर अमेज़न की टेप है या फिर और किसी यूएस कि किसी कंपनी की किसी की टेपिंग हो पता चले कि हाँ ये सील है। 10 दफा खुल जाती है पाकिस्तान में वो एक एक बॉक्स और एक एक चीज 10 दफा खुलते हैं।
यहाँ बेसिक जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो वहाँ के जो सस्ते आइटम्स जो आपको शेर शाह इधर उधर खबाड़ों में मिलने होते हैं, उन सारे आइटम्स को वो कंटेनर्स के लॉट्स के हिसाब से वो खरीद के, अच्छा ये चीज अब जाके यूट्यूब वगैरह पे अमेजोन और इन नामों के जरिए जो है ना बहुत ज्यादा चल रही है, वरना तो ये चीज सालों से अरसे से जो है ना ये चलती है उस पर, क्या कहते हैं पाकिस्तान के पोर्ट्स में भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको 500 किस्म की जो है ना ऐसी गाड़ियां जो आप देखेंगे तो कहेंगे क्या ये 3-3 इंच उनके ऊपर जो है ना वो डस्ट जमी भी होती है, वो ऑप्शन अनक्लेम्ड और इस तरीके की चीजों की जो भी होता है वो अच्छा खासा, मतलब बहुत बड़े बड़े गोडाउन भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो आते हैं हर फ्राइडे के ऐसे कुछ, पहले मैं दो दफा गया था एक दोस्त के साथ, तो ऑक्शन होती है, बैठे हुए होते हैं कुर्सियां लगा के, वो भाई इलेक्ट्रॉनिक का कंटेनर है इतने के जी या जो भी उनकी वो होती है जो सर्टेन क्राइटेरियाज होती है इसके आप जो है ना वो क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, आती है गूगल पे थोड़ा सर्च कर लेंगे, नहीं तो जो है ना आपको कोई यूट्यूब पे भी सर्च कर लेंगे कोई ये पाकिस्तान के पोर्ट्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, तो आपको 500 चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको उस तरफ गाइड कर सकती है। खैर पाकिस्तान के अंदर अमेजोन का जितना भी अमेजोन के अनडिलीवर्ड के नाम से बिजनेस हो रहा है वो सारा एक स्कैम है, खुद पैक किए हुए होते हैं, खुद आपको उतनी अमाउंट के तकरीबन चीजें लगभग दे देते हैं, लेकिन होता क्या है अगर कोई महंगा आइटम निकलता है आउटडेटेड निकलता है, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है को उसको यूज नहीं करता, ठीक है कम बिकता है लगा देते हैं आपको, तो ये सोच के नहीं लेना है कि अमेजोन की तरफ से आ रहा है, अमेजोन की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, आता है मतलब 2-3 हैंड वहां ही अमेजोन से निकल के ही उसको यूएस में लग जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते आते आप सोचे कि कितने हैंड्स लग जाते होंगे वो, हाँ वो एक चीज आपने अमेजोन से मंगाई है पैसे दिए है वो चीज आपके पास आएगी, आप घर पे उसकी अमेजोन की टेपिंग फाड़ेंगे आप उसकी हर चीज बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगी कि कोई चीज खरीदी है, सस्ते में मिल रहा होता है तो केजीज के हिसाब से मिल रहा होता है, और दूसरा इस हिसाब से जो हाँ अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है कहते हैं कि ठीक है मुझे कुछ भी दे दो मैं बेच लूंगा तो आप करें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है नहीं बेच सकती चीजें तो आपके पास पड़ी ही रहेंगी चाहे वो आप 10,000 का मंगाए या 1,00,000 का मंगाए। तो खैर यहाँ मैं बेसिकली वो जो पिछली वीडियो देखने वाले लोग थे या उस पे जो थोड़े बहुत 37 सब्सक्राइबर आए हैं उनके लिए जो मैंने ये वीडियो बनाई है, जब उन्होंने इस उम्मीद से सब्सक्राइब किया कि इसका कोई रिजल्ट बताएंगे या जो भी होगा, तो वो आपको जो है ना मैंने कहा चलो मैं अपनी जो राय है उससे मैं आपको जो है आगाह कर देता हूँ कि भाई अब जाना है आपकी मर्जी है, जो मेरा एक ओपिनियन था मेरा अपना जाती ओपिनियन था वो ये था, बाकी उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये है कि मैं इंशाल्लाह फिर मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा, इंशाल्लाह बहुत सी जो है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर, उसके अलावा जो है मेटावर्स वेब 3 जो आने वाली टेक्नोलॉजीज है पाकिस्तान के अंदर, तो खैर अभी तक यही बहस नहीं खत्म हुई है कि क्रिप्टो है क्या चीज, तो पाकिस्तान के अंदर वो बेचारा एक क्या कहते हैं उसको वकार जक्का, ठीक है वकार जक्का बेचारा कैसे लड़ रहा है और क्रिप्टोस, तो खैर उस पे हम नहीं जाते उस डिटेल्स पे, वो अगर आप कहेंगे तो डिटेल्स बंद मिल जाएंगी आपको भी यूट्यूब पे, उसमें 500 वीडियोस बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप क्रिप्टोज अच्छा उसके अलावा क्या कहते हैं कि जो दूसरी ऐसी मार्केट्स है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके कोई भी पैसे देते हैं या फिर उसके अलावा अपनी ही इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की जो है ना पोटेंशियल ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना उसमें जिस किसी प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल आप कहते हैं कि चलो जैसे बिटकॉइन को देख लो कि बिटकॉइन
का नाम ही जो है ना अब जाके 2020-21 के अंदर, हालांकि वो 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, 12 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आते 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 यहाँ पे काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कि क्रिप्टो में भी बहुत ही कम वैल्यू रखती है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है उसके अंदर, उसको पानी पी लो, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। बोलना पड़ता है ना? तो खैर गला खुश्क हो गया तो मुसलसल बोलते हैं। I guess just take the video till 10 minutes. एक ही टेक में लेता हूँ वीडियो, लास्ट वीडियो भी मैंने पूरी एक ही टेक में ली थी। इट्स गोइंग टू बी 11 मिनट्स नाउ। 11 मिनट्स नाउ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम उसको 12-13 मिनट के अंदर ही समराइज कर देते हैं, क्योंकि मुझे अपना ओपिनियन, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना था, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि मैं थोड़ा सा डिटेल में बोल देता हूँ। तो अगर आप ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ जो स्टॉक इंडेक्सेस है वो कैसे काम करती है उसके हवाले से वीडियोस, या फिर मेटावर्स, वेब 3, जो कि आम जुबान में आपने NFTs का सुना होगा, कि इनके हवाले से अगर आप चाहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से अर्ली, तो वो मैं आपसे शेयर करूं, तो चले आप अगर लास्ट वीडियो पे 37 सब्सक्राइबर्स थे तो चले आप इस पे 20-30 यार ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हैं सब्सक्राइब का तो ज्यादा ही अच्छा सामने नजर आ जाएगा कि हाँ सब्सक्राइब किया हुआ है, और उसमें जो है ना रैंडमली किसी भी एक कमेंट को जो है ना मैं अपनी तरफ से 200-300 रुपए का बैलेंस भेज दूंगा। यही कर सकता मिस्टर बीस तो हूँ नहीं कि $1,00,000 भेजूंगा, लेकिन ये है कि चलो मैं जो है ना आपको कोई भी डिफरेंट सेलुलर कार्ड्स भेज दूंगा। तो ये है कि हर वीडियो में आपका भी फायदा होगा कमेंट करने में, इतने लोग नहीं है, 2-3 ही कमेंट होंगे कर देंगे तो आपका आ जाएगा, कोई इतना लंबा छोड़ा वो नहीं है। ज्यादा लोग होंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ज्यादा कमेंट्स होंगे, लेकिन अभी तो है नहीं, तो खैर पहला मैं करूंगी, पहले मुझे भेज देना। नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा, चलो बंद करो उसको।